ओम स्टिचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेकर बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, इसको मैंने ऐसे डबल करके रख लिया है। ये हमारा पैंट वाला कपड़ा है जिससे हम पैंट बनाते हैं, ये वही कपड़ा है। इस कपड़े की लंबाई है, ये डबल रखा हुआ है ऐसे करके, और डबल में इस कपड़े की लंबाई है 22.5 इंच और चौड़ाई है 29.5 इंच। अब इस कपड़े को हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब ये कपड़ा हमारा 4 लेयर में हो गया है। अब हम ऊपर की साइड में 2 इंच पर निशान लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। अब यहाँ से नीचे की साइड में हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो अब इस कपड़े की लंबाई बची है 20.5 इंच, इसमें से 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा, तो हमारा जो नेकर तैयार होगा वो 19.5 इंच का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हिप का चौथाई भाग लेंगे। हिप का नाप है 30 इंच, उसका चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच, और इसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग जोड़ देंगे तो हुआ 10 इंच। तो 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब इस निशान से नीचे की साइड में हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। आसन के लिए निशान हम 10.5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से नीचे तक इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब इस निशान से इधर की साइड में हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे, ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसमें हम गोलाई कर देंगे। यहाँ पे हम मोरी के लिए निशान लगाएंगे। मोरी के लिए निशान हम 10.5 इंच पर लगाएंगे। अब इन निशानों को ऐसे करके मिला देंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। इसको हम ऐसे खोल लेंगे और इन दोनों पर्दों को मैंने ऐसे रखा है, इनकी सीधी सीधी साइड एक साइड में आनी चाहिए। और सबसे पहले हम इसका आसन जोड़ेंगे, ऐसे सिलाई लगा के हम आसन को जोड़ देंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड के आसन को भी सिलाई लगा के जोड़ देंगे। इन दोनों पर्दों को हम ऐसे रख लेंगे और सिलाई लगा के आसन को हम जोड़ देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड के आसन को भी जोड़ देंगे। आसन जोड़ने के बाद हम नीचे की साइड में मोरी पे सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा के हम दोनों साइड की मोरी को तैयार कर लेंगे। मोरी तैयार करने के बाद हम इन पर्दों को ऐसे रख लेंगे और ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करते हैं। तो इसको मैंने उल्टी साइड से रख लिया है और इसको ऐसे कर देंगे आगे की साइड में, और इसको हम पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, इसके बाद इसको 1.5 इंच और फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा के हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी जगह हम खुली छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। अब यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। ये मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक की लंबाई है 23 इंच। इसमें इलास्टिक डालने के बाद हम इस जगह को सिल देंगे। इसमें मैंने इलास्टिक डाल दी है और खुली हुई जगह को भी सिल दिया है। अब हम इलास्टिक के ऊपर बीच में सिलाई लगाएंगे। इसको हम ऐसे रख लेंगे
पहले हम इसको एक दो बार ऐसे कर लेंगे जिससे कि इलास्टिक के ऊपर कपड़ा बराबर हो जाए। उसके बाद हम इसको ऐसे रख के और दोनों साइड से हमें खींचना है इसको। मैंने इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा दी है। अब हमारा नेकर बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।